Hello my dear students, welcome back to the channel of Science Aided. So today we are going to continue the chapter Matter in Our Surroundings and today we are going to discuss the lecture 5, है ना? और आज मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को इसी लेक्चर में आज कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है? तो हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया था लास्ट क्लास और आज हम लोगों को पढ़ना है द सेकेंड इफेक्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। किस तरह से प्रेशर में बदलाव करके किसी भी फिजिकल स्टेट के सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इसमें चेंज है दैट इज गैस टू लिक्विड चेंज। तो किसी भी गैस को अगर हमको लिक्विड में चेंज करना है देन वी हैव टू अप्लाई अ हाई प्रेशर एकॉम्पनीड विथ लोअरिंग द टेम्परेचर। कहने का मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रखना है और क्योंकि प्रेशर जैसे ही हाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी और उस टेम्परेचर को रिड्यूस भी करना होगा साथ ही साथ, क्योंकि हाई प्रेशर करेंगे तो हीट एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो साथ ही साथ हमको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, क्योंकि मैंने बताया था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमको गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है, गैसियस मीडियम से लिक्विड मीडियम में लाना है, तो मैंने बताया था कि कंडेंसेशन में हम लोगों ने देखा था कि गैस की काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ा था। तो गैस के काइनेटिक एनर्जी को कम करने का मतलब है कि उसके टेम्परेचर को क्या करना पड़ा, रिड्यूस करना पड़ा। तो इसमें होगा क्या, अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। हाई प्रेशर अप्लाई करके और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस क्या होगा, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस ऑफ अ गैसियस टू लिक्विड चेंज। सबसे पहला होगा हाई प्रेशर और कंप्रेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द स्पेसेस बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स। तो गैसियस पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है ना, गैसियस मीडियम में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए कंप्रेशन देना पड़ेगा हाई प्रेशर ताकि उसके बीच का जो गैप है वो कम हो सके। लेकिन जैसे ही हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो साथ ही साथ उसकी हीट एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो साथ ही साथ क्या होगा, हाई प्रेशर भी देना है और टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। तो सेकेंड स्टेप, कंप्रेशन प्रोड्यूसेस हीट सो इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द टेम्परेचर दैट विल रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स एंड दैट विल हेल्प टू चेंज द स्टेट ऑफ द मीडियम फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड फेज। एंड द थर्ड स्टेप विल बी हाई प्रेशर एकॉम्पनीड विद लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर कन्वर्ट्स द गैस इनटू लिक्विड। तो प्रेशर बढ़ाएंगे, हाई प्रेशर देखेंगे, जैसे हमारा क्या है सीएनजी एलपीजी दैट इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ द गैसेस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाईली कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट मींस गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में यूज कर दिया जाता है जो कि हमारे किचन में यूज होता है ना। दीज आर द सम एग्जांपल्स वेयर वी सी इन आवर डेली लाइफ द गैसियस टू लिक्विड चेंज बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। इसका एक एग्जांपल लेना है, जैसे अमोनिया गैस को हाई प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी अबाउट द ड्राई आइस, उसके बारे में जानेंगे। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने लिक्विड से गैसियस मीडियम, गैस को लिक्विड मीडियम में चेंज किया। अब हम देखेंगे सॉलिड से गैस। अभी हम लोगों ने देखा था गैस को हाई प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पे कैसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे सॉलिड से गैस का कन्वर्जन बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, है ना। इसमें सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिया, इसी से सब कुछ क्लियर होगा, दैट इज ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोला जाता है, बहुत ही फेमस टर्म है, साइंस में यूज होता है, केमिस्ट्री में। इस सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 हमारा ऐसे गैसीय फॉर्म में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, बट सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। तो क्यों इसको सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं, इसका रीजन क्या है, इट इज अ वाइट सॉलिड दैट डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस और सब्लाइम्स। मैंने लास्ट क्लास जब सब्लिमेशन पढ़ाया था तो मैंने वहां पे ड्राई आइस का एग्जांपल दिया था। रीजन क्या है कि जो हमारा CO2 होता है इसको जब हम लो प्रेशर पे रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें हाई प्रेशर पे रखने पे क्या होता है कि इसको सॉलिड फॉर्म में रखना आसान होता है। कैसे ही इसमें प्रेशर रिड्यूस होगा, अभी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर को हाई करना है, और यहाँ पे प्रेशर को लो किया जाता है जब हमें सॉलिड से गैसियस फॉर्म में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। सो इट इज अ वाइट सॉलिड दैट डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस और सब्लाइम्स एंड डजंट मेल्ट टू प्रोड्यूस अ लिक्विड, सो इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो ड्राई आइस कहलाने का रीजन क्या है कि ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और फिर गैस से कूल कर देते हैं, गैस से सॉलिड में आ जाता है। तो लास्ट क्लास मैंने बताया था सब्लिमेशन का एग्जांपल, यही रीजन है कि इसको ड्राई आइस बोला जाता है। ड्राई आइस क्या होता है, सूखा होता है। तो इसमें लिक्विड फेज में ये चेंज नहीं होता, इंटरमीडिएट फेज इसका नहीं आता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस हो जाता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, इसको सॉलिड CO2, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है दैट इज सॉलिड CO2 इज केप्ट अंडर हाई प्रेशर।
कि सॉलिड CO2 को हाई प्रेशर में क्यों रखा जाता है। मेन इसका ये स्टेटमेंट है और सवाल उठता है व्हाई, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसका रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। सो नाउ वी विल सी द रीजन व्हाई अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, है ना। तो सबसे मेन रीजन क्या है कि दिस इज बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ सॉलिड CO2, हम उसको हाई प्रेशर पे क्यों रखते हैं, इसका कारण हम अच्छे से समझना है कि व्हाई सॉलिड CO2 इज केप्ट अंडर हाई प्रेशर। तो इफ द प्रेशर विल रिड्यूस देन द टेंपरेचर विल इंक्रीज, तो वो क्या होगा, अपने फेज से चेंज हो जाएगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ सॉलिड CO2 इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। अगर उसका प्रेशर, अगर उसको हाई प्रेशर पे नहीं रखा जाएगा CO2 को, तभी वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो वो अपना फेज चेंज करके सबलाइन होके गैसियस फेज में आ जाएगा। सो नेक्स्ट इसमें क्या है, व्हेन प्रेशर रिड्यूसेस एंड टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज्ड, इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू CO2 गैस। तो जैसे ही प्रेशर, अभी आपने पढ़ा था इसके पहले में कि प्रेशर को हाई करेंगे और टेम्परेचर को लो करेंगे, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था गैस टू लिक्विड, और ये क्या है, हमारा है सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में क्या होगा, इसमें कन्वर्जन आएगा। तो या गैसियस से सॉलिड फॉर्म में तो क्या किया जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि प्रेशर को हाई रखा जा रहा है और टेम्परेचर को क्या रखा जा रहा है, इसमें कम रखा जा रहा है। तब हमारा गैसियस से किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में वो चेंज होगा। अगर प्रेशर जैसे ही लो होगा और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, तो वो फिर से सॉलिड से गैस फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड इसका क्या यूज है ड्राई आइस का देखना है, इट इज यूज टू डीप फ्रीज फूड एंड टू डीप आइसक्रीम कोल्ड। आइसक्रीम को ठंडा रखने में सॉलिड CO2 ड्राई आइस का यूज किया जाता है, और डीप फ्रीज फूड खाने को भी ठंडा रखने में, है ना। इसका रीजन क्या है कि जो सॉलिड CO2 ड्राई आइस जो होता है, इट इज मोर इफेक्टिव फॉर कूलिंग पर्पस देन ऑर्डिनरी आइस। मतलब साधारण बर्फ जो हमारा होता है, ऑर्डिनरी आइस जो होता है, उससे काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारा सॉलिड CO2 ड्राई आइस फॉर कूलिंग पर्पस, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे हमारा, कि अभी हमने क्या देखा कि जब प्रेशर को घटाएंगे, व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, देन वी सी अ चेंज दैट इज सॉलिड टू गैस, है ना। और यही रीजन है कि CO2 को सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही प्रेशर घटता है और टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का बढ़ता है, तो वो सॉलिड स्टेट से सबलाइन होकर किसमें, गैसियस फेज में चेंज हो जा सकता है। इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इवापोरेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन का डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहां थोड़ा इसको अलग ढंग से देखना है, और हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवेपोरेशन मैंने वेपराइजेशन आपको पढ़ाया था, बॉइलिंग पढ़ाया था, तो सेम चीज़ है। तो यहाँ इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर है, इसको समझना है। इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट रीच करना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रीच करने के बाद ही वो क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन इवेपोरेशन जो प्रोसेस है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट रीच करना जरूरी नहीं है, इसमें वाटर का लिक्विड का गैस फॉर्म में चेंज होना उसके बॉइलिंग पॉइंट पे निर्भर नहीं करता है। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन या प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन देखा जाता है ना। इसका रीजन क्या है, इसको समझना है। सबसे पहले एक पॉइंट और देखेंगे कि इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर, दो इट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसका स्पीड जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, ये इंक्रीज कर जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्यों ये बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि सम पार्टिकल्स इन अ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स। कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कुछ पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स के कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, एंड दैट्स व्हाई अ लिक्विड इवन बिलो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट has some of its particles with high kinetic energy। और kinetic energy high होगा तो हम जानते हैं कि अपने जगह से वो क्या करेगा, escape करना चाहेगा, motion में आना चाहेगा because of high kinetic energy। और हम लोग पढ़ चुके हैं vaporization और boiling में कि जैसे ही किसी भी particle के पास kinetic energy high होती है, तो वो अपने जगह से motion में आना चाहता है with a greater speed, greater velocity। So to break the forces of attraction between them, है ना? तो और इस kinetic energy से क्या होता है कि आपस में जो उनके बीच जो force of attraction है, तो यहाँ भी क्या होगा, किसी भी process के लिए एक चीज जो common है, that is latent heat।
सभी प्रोसेस में लेटेंट हीट एकदम नेसेसरी है, उसके बिना कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता। और लेटेंट हीट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है ना, उसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि इतना टेम्परेचर देंगे तभी उसका लेटेंट हीट का प्रोसेस होगा। वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर भी, मेल्टिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे भी लेटेंट हीट हमेशा होता है। बिना लेटेंट हीट के कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ जो लेटेंट हीट मिलेगा विद सम ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, और उस लेटेंट हीट का यूज हो जाएगा टू ब्रेक डाउन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, सो इट किसके लिए यूज हुआ है, सम पार्टिकल्स के लिए, सो इट एस्केप्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो जिन पार्टिकल्स के पास हायर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वो अपने आप को उस बंधन में बांध के रखना नहीं चाहेंगे, और वो बंधन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उसके पास ज्यादा एनर्जी आ गया, वो ज्यादा ताकतवर हो गया, तो वो लिक्विड के सरफेस से क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर और गैस। तो इस तरह से पूरा का पूरा इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। So now, my dear students, we will discuss about the factors affecting rate of evaporation. कौन से ऐसे factor हैं जिस पे evaporation का rate या simple evaporation depend करता है? तो सबसे पहला है that is temperature. Second one is surface area of the substance. Third है humidity and number four is wind speed. तो बहुत ही आसान है इसको समझना, है ना? सबसे पहले क्या है, temperature. इसको हम लोग daily life से भी relate करके आसानी से समझेंगे। तो टेम्परेचर से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कहने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, और इसका अपोजिट भी होगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, घट जाएगा। इसको समझते हैं एग्जांपल से कि अभी जैसे गर्मी का दिन है तो आप टेम्परेचर देख रहे हैं कि 44-45, आज का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। तो इस टेम्परेचर में क्या है कि आप अपने जो भीगे हुए कपड़े अगर उसको बाहर में रखते हैं तो बहुत कम टाइम में वो क्या होता है, आसानी से ड्राई हो जाता है, वेट क्लोथ्स बिकम ड्राई। इसका रीजन क्या है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर वाइग्रसली रिजल्टिंग फ्रॉम द स्केप देप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द क्लोथ्स। इसका रीजन बस क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड पार्टिकल्स की बढ़ेगी और वो अपने जगह से स्केप करेगी। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन का डायरेक्टली रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। सेकेंड है सरफेस एरिया, ये भी डायरेक्टली रिलेशन चलता है, जैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एग्जांपल से समझना इसको भी, जैसे वेट क्लोथ जो हमारा होता है, कपड़ा धोने के बाद जो भीगे हुए कपड़े होते हैं उसको आप क्या करते हैं, आप फैला के रखते हैं। अगर आप कपड़ों को फैला के नहीं रखेंगे, डायरेक्ट बस उसको निचोड़ कैसे रख दें, तो उसको सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इन कंपेरिजन विद वेन वी स्प्रेड इट आउट ऑन द समथिंग ऑन द वॉल्स और वायर्स एंड थ्रेड्स। तो उसमें रीजन क्या है कि जैसे ही हम कपड़े को फैलाते हैं दैट मीन्स उसके सर्फेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और जैसे ही उसका सर्फेस एरिया इंक्रीज होगा देन इट विल एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ हीट, और जैसे ही मोर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो सर्फेस एरिया के साथ भी इसका क्या है, डायरेक्टली रिलेशन। ठंड के दिनों में क्या होता है, कपड़े को सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा रीजन क्या है कि टेम्परेचर ठंड के दिनों में बहुत ही ज्यादा कम होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, डाउन होगा, क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स का वो बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन नहीं होगा, है ना। थर्ड है ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन देखते हैं। ह्यूमिडिटी होता है दैट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग उमस भी बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे आजकल का जो मौसम है इसमें क्या है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी क्या है, बहुत ज्यादा। ठंड के दिनों में भी देखा जाता है कि क्लाइमेट जो होता है ह्यूमिड ज्यादा होता है, तो ह्यूमिडिटी के साथ जो है इवेपोरेशन का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं चलता है। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा रिलेशन चलेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वाटर वेपर का प्रेजेंस एयर में। तो वाटर वेपर अगर पहले से ही बहुत ज्यादा है एयर में तो उसको पहले खुद अपने आप को क्या करना पड़ेगा, गैसेस फेज में ले जाना पड़ेगा, फिर जो हमारा वाटर है वेपर है इसको कन्वर्ट में लिक्विड से वाटर वेपर करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसका इनवर्स रिलेशन चलेगा। सो इसको समझना कैसे, दैट इज इफ ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज देन इवेपोरेशन विल डिक्रीज। अप साइन बता रहा है इंक्रीज को, डाउन बता रहा है डिक्रीज को, एंड इट्स वाइस वर्सा, इसका अपोजिट भी हो जाएगा कि ह्यूमिडिटी अगर घटेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल डिस्कस अबाउट द विंड स्पीड। सो द फोर्थ फैक्टर दैट इज विंड स्पीड, जिस पे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, आप देखते हैं कि जब भी विंड स्पीड ज्यादा होती है, हवाओं की गति ज्यादा होती है, तो उन दिनों में क्या होता है कि कोई भी चीज आसानी से ड्राई हो जाता है। तो इसका भी डायरेक्टली रिलेशन चलेगा कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड।
सो दैट इज पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव अवे विद द विंड. जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो विंड स्पीड के कारण हायर काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करके एयर के साथ क्या करते हैं, मूव अवे कर जाते हैं, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. और इससे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है किसी भी सब्सटेंस में, अगर क्लोथ्स हो चाहे कुछ भी हो, उससे क्या होता है डिक्रीज कर जाता है. जैसे हमारा बहुत सारा एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं, जैसे सर्फेस एरिया में ही आप क्या देखते हैं कि जैसे रोड जो होता है, तो आप देखते हैं कि रोड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है लेकिन तुरंत वो सूख जाता है. इसका भी रीज़न क्या है कि जो हमारा रोड है उसकी सर्फेस एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है. तो सर्फेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ फ्लूइड ऑपरेशन भी क्या होगा, आसानी से होगा, जल्दी जल्दी हमारा क्या होगा वाटर जो है गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड. अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन. जो इवेपोरेशन है उससे कूलिंग क्यों कॉज होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. आप देखते हैं कि जब आपको पसीना चलता है तो आपको ठंड महसूस होती है आपके बॉडी को, ऐसा रीजन क्या है, दैट इज द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन. तो ये वर्क कैसे करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट. सो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड इवेपोरेट्स, मैंने पढ़ा दिया था वेपोराइजेशन में ये सारी बातें, कभी भी जो लिक्विड होता है गैसियस चेंज में जब जाता है, गैसियस फेज में जब चेंज होता है, तो वो अपने साथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट क्या करता है, लेके जाता है. तो किसी को भी लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए मैंने बताया था कि लेटेंट हीट लेता है, एब्जॉर्ब द हीट. और जैसे ही किसी भी सब्सटेंस से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जो सब्सटेंस होगा उसको ठंडी महसूस होगी, गर्मी तो लगेगा. सो इट ड्रॉज दैट मींस टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सब्सटेंस इन कॉन्टेक्ट. तो ये क्या करता है कि जिस सब्सटेंस से कांटेक्ट में है उससे ही उसकी हीट एनर्जी को गेन करता है, मतलब उससे हीट एनर्जी खींच लेता है और उस सब्सटेंस को ठंड महसूस होती है. सो जैसे एग्जांपल देखना, हमारे घर में क्या होता है अर्थन पॉट जिसको हम लोग घड़ा बोलते हैं, उसमें भी ये चीज़ देखा जाता है कूलिंग पॉट, उसमें पानी क्या होता है ठंडा रहता है. रीज़न क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्स होते हैं, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स और वाटर उससे कंटिन्यूसली सीप करता है, बाहर निकलते रहता है. तो जो उसमें रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो क्या करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है डिक्रीज करती है और जो रिमेनिंग वाटर है तो वो क्या होता है लगातार ठंडा रहता है. सो इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स, वाटर सीप्स थ्रू इट एंड टेक्स द लेटेंट हीट. तो जाहिर सा बात है कि जो वाटर निकल रहा है अर्थन पॉट से, जो सीप कर रहा है, वो उसके रिमेनिंग वाटर के कंटेंट को, लेटेंट हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके बाहर जा रहा है. तो जैसे हीट लेके बाहर जाएगा तो जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और वो कंटिन्यूसली क्या रहता है, ठंडा रहता है. तो सबसे पहले इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए एंड वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स एंड इसके बाद हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं भी बता रहा था दैट इज परस्पिरेशन, या उसी को स्वेटिंग बोलते हैं. इट इज ऑल्सो अ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. इसमें है क्या, इट इज अ मैथड ऑफ यूज बाई आवर बॉडी टू मेनटेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. तो इसका रीजन क्या है कि जैसे ही हम लोगों को क्या होता है एक्सेस स्वेटिंग होता है, वो स्वेट क्या होता है कि लेटेंट हीट लेके इवेपोरेट कर जाता है और जिसके बाद हमें क्या होती है ठंड महसूस होती है. और एक और बहुत फेमस जो क्वेश्चन भी आता है कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, क्यों हमें सूती का कपड़ा गर्मियों के दिन में पहनना चाहिए. इसका रीज़न क्या है, जो कॉटन होता है वो गुड एब्जॉर्बेंट होता है, किसका, स्वेट का, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट को हमारे बॉडी से जो रिलीज होता है और उसके बाद वो लेटेंट हीट लेके इवेपोरेट कर जाता है और हमारे बॉडी को क्या होता है आराम फील होता है, रिलैक्स फील होता है. सो वी शुड बी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स स्वेट एंड एक्सपोजेस टू द एयर फॉर इवेपोरेशन producing coolness to our body and that is the main reason behind it why should we wear cotton clothes during summer days. है ना, तो अभी के समय में हमें cotton clothes wear करना चाहिए because it is a good absorbent of sweat and it helps in the rate of your process of evaporation. और इस chapter का जो last topic है वो अभी आया है कि बहुत समय के बाद nowadays our scientists have discovered two more states of matter. दो और स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सेप्ट सॉलिड लिक्विड और गैस कुछ डिस्कवर हुआ है, वो क्या है, दैट इज वन इज प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन. तो ये दो नया हमारा क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कवर हुआ है बाय द साइंटिस्ट. इसमें क्या है कि अब हमें अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एट प्रेजेंट टाइम वाटर हाउ मेनी आर नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, तो क्या बोलेंगे, देयर आर फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर. इसमें हमारा नया क्या है प्लाज्मा और सेकेंड वन इज फिफ्थ वन इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन. प्लाज्मा क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. ये एक मिश्रण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो पाया जाता है. और ये कहाँ रहता है, इट ऑकर्स नेचुरली इन द स्टार्स. इसको नेचुरली स्टार्स में पाया जाता है एंड दैट इज द रीजन ऑफ विच फैक्टर इज हमारा जो सन और स्टार्स जो इतना ग्लो करता है, इतना शाइन करता है, उसका रीजन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन द सन एंड स्टार.
सो इट द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा. तो ये हमारे साइंटिस्ट का नया डिस्कवरी है. एंड द नेक्स्ट वन इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट इज इट इज ऑब्टेंड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी. तो एक बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी के गैस को जब बहुत ज्यादा कूल किया गया, तो हमारे साइंटिस्ट दैट मीन इसमें कौन थे, आइंस्टीन का भी नाम है इसमें और एक बोस है, तो क्या देखा गया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक नया स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर हो सकता है जब एक बहुत ही एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाले गैस को कूल किया जाता है. तो इसके बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 9 के लेवल के लिए इतना जानकारी बहुत ही ज्यादा इनफ है, मोर देन इनफ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज मैंने आपका लेक्चर 5 और ये पूरा चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट कर दिया है. मैंने आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और नई बातों से अवगत करा दिया है. तो आपका काम है कि आप इसको नोट्स बनाइए और किसी भी बुक से आप कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन बना सकते हैं. किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे मुझसे. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बिकॉज हम लोग यहाँ पे टीचर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. आप देख ही रहे टेम्परेचर 45-46 फिर भी हम लोग लगे हुए हैं. तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ अ न्यू टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.